क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। इसमें कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, ये हमारा ट्राइंगल एबीसी और ये डीईएफ, एबी इक्वल्स टू डीई, ये साइड जो है इसके इक्वल है, सिंगल मार्क कर दिया, ठीक है, एंड ये साइड पैरेलल भी है, एबी पैरेलल टू डीई, ये लाइन पैरेलल भी है, एंड बीसी इक्वल्स टू ईएफ, बीसी जो है वो ईएफ के इक्वल है और बीसी ईएफ के पैरेलल भी है, ठीक है, ये चीजें मैं अंडरलाइन कर देता हूं, बीसी पैरेलल टू ईएफ, वर्टिसेस एबीसी आर जॉइंट टू वर्टिसेस डीईएफ रेस्पेक्टिवली, मतलब ए को डी से, सी को एफ से और बी को ई से ज्वाइन कर दिया गया है। शो दैट, फर्स्ट में क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल ए बी डी इज ए पैरेललोग्राम, हमें शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ये जो हमारा फिगर बन रहा है ए बी ई डी, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो फर्स्ट हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू डी ई एंड ए बी पैरेलल टू डी ई। अगर ए बी और डी ई, ए बी ई डी में हम देखेंगे, ए बी ई डी पैरेललोग्राम में कि ये अपोजिट साइड्स हैं, ए बी ई डी, तो ये साइड और ये साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, ये पूरा लिख लेना है, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो वो हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि ए बी ई डी एक इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। तो फर्स्ट पर मैं टिक कर देता हूं, यह हो गया हमारा कंप्लीट, क्योंकि इसका यूज हम आगे भी करने वाले। इसी तरह सेकंड में देखो, सेकंड में क्या कह रहा है, बीई एफ सी, बीई एफ सी है, तो बीई बीई एफ सी, ये मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, ठीक है, ये बीई एफ सी, हमें ये प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो बिल्कुल यही सेकंड वाली कंडीशन, बिल्कुल वही कंडीशन लगेगी हमारी फर्स्ट वाली, सेकंड में यहां करा रहा हूं, बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, बी सी इक्वल है ई एफ के और बी सी पैरेलल भी है ई एफ के, तो सेम हमें क्या लिखना है, यही कंडीशन लिख देनी है हमारी कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये भी हो गया हमारा प्रूफ सेकंड। थर्ड पर आते हैं, थर्ड में हमें प्रूव करना है ए डी पैरेलल टू सी एफ, ए डी पैरेलल टू सी एफ, ठीक है, मतलब हमारा सेकंड भी हो गया, तो मैं सेकंड को भी कर देता हूं टिक, और मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पर जगेगा, मैं आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहें। थर्ड में हमें प्रूव करना है कि एडी पैरेलल टू सी एफ, एडी और सी एफ पैरेलल है, ठीक है, ए डी लाइन कर लेता हूं मैं उस पर, ए डी ये और सी एफ, ये दोनों लाइन्स को हमें इक्वल और पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है, जिस पर 3-3 मार्क किया गया है। तो पहले फर्स्ट को देखेंगे हम, फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया है और सेकंड भी प्रूव हो गया है, तो ए बी ई डी, ए बी ED एक पैरेललोग्राम है, इसी तरह सेकंड क्या था हमारा,
बी ई एफ सी भी हमारा एक पैरलोग्राम है, तो ए बी ई डी की अपोजिट साइड्स, ए बी ई डी, ए बी ई डी ये फिगर है हमारा, तो ए डी इक्वल्स टू बी ई, ए डी इक्वल्स टू बी ई एंड ए डी पैरेलल टू बी ई, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, तो उससे हम कह सकते हैं ए डी बी ई के इक्वल बाई इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। इसी तरह बी ई एफ सी भी हम कर चुके हैं कि एक पैरलोग्राम प्रूव, तो इसमें भी क्या होगा, इसके अपोजिट साइड बी ई एफ सी, बी ई एफ सी तो मतलब ये वाली साइड सी एफ और बी ई इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, क्योंकि क्या है अपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम, तो बी ई इक्वल्स टू सी एफ एंड बी ई पैरेलल टू सी एफ, ठीक है। अब हम देखेंगे फर्स्ट और मतलब फर्स्ट और सेकंड से ही हम कंक्लूजन निकाल लेंगे हमारे थर्ड, तो ये थर्ड पार्ट शुरू हो रहा है, ये चीजें हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। इनसे हमने क्या कंक्लूजन निकालते हैं, ये इन कंक्लूजन को देखेंगे तो हमारा थर्ड इजीली सॉल्व हो जाएगा। बी ई ए डी के इक्वल है, ठीक है, और बी ई सी एफ के भी इक्वल है, ये बी ई और ये बी ई, तो हम कह सकते हैं कि ए डी इक्वल्स टू सी एफ, ए डी इक्वल्स टू सी एफ एंड ए डी पैरेलल टू सी एफ, क्योंकि यहां पर भी हमारे पास क्या है बी ई कॉमन है, बी ई ए डी के भी पैरेलल है और बी ई सी एफ के भी पैरेलल है, तो ए डी और सी एफ भी पैरेलल होंगी, ठीक है। थर्ड भी हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है, ये टिक मार कर देता हूं। अब आते हैं फोर्थ पर, फोर्थ में क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज ए पैरलोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, तो ए सी एफ डी ये हमें करना है एक पैरलोग्राम प्रूव, तो देखेंगे ए डी इक्वल्स टू सी एफ हम प्रूव कर चुके हैं और ए डी पैरेलल टू सी एफ मतलब अपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी, कंडीशन हमें लिख देनी है अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं तो वो क्या होता है एक पैरेलोग्राम होता है, देन हम कह सकते हैं ए सी एफ डी इज अ पैरेलोग्राम, ठीक है। इसको कोई इक्वेशन मान लेना है, मान लेंगे इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये क्या आंसर हुआ बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। फोर्थ हो गया, फिफ्थ में क्या कह रहा है ए सी इक्वल्स टू डी एफ, हमें प्रूव करना है ए सी इक्वल्स टू डी एफ, तो ये भी देखो अपोजिट साइड है ए सी इक्वल्स टू डी एफ, अगर ए सी एफ डी एक पैरेलोग्राम है तो फिफ्थ हमारा हो जाएगा इजीली ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ये क्यों होंगी क्योंकि ये अपोजिट साइड है पैरेलोग्राम की, अपोजिट साइड ऑफ पैरेलोग्राम, ये अपोजिट साइड है पैरलोग्राम, कौन से पैरलोग्राम की ए सी एफ डी पैरलोग्राम की, ठीक है। अगर अपोजिट साइड किसी भी पैरलोग्राम की होती है वो होती है हमारी इक्वल, तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब सिक्स आता है हमारा, सिक्स में क्या करना है मैं थोड़ा रब कर लेता हूं, आप नोट डाउन कर लें, अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को आप रिज्यूम कर सकते हैं। थर्ड में हमें ट्रायंगल्स, जो हमारे दो ट्रायंगल्स हैं उन्हें कॉन्ग्रेंस प्रूव करना है, सो थर्ड नहीं सिक्स्थ में, हमें सिक्स्थ में, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो देखो हमें दे रखा है ए बी इक्वल्स टू डी ई, ए बी और डी ई इक्वल है,
ए बी इक्वल्स टू डी ई, इसी तरह हमें दे रखा है बी ई बी सी इक्वल्स टू ई एफ, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ये दोनों चीजें हमें गिवन। थर्ड हमने प्रूव किया है, थर्ड हमने प्रूव क्या किया है, ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ए सी इक्वल्स टू डी एफ, क्योंकि ये पैरलो ए सी एफ डी पैरलोग्राम की अपोजिट साइड है, तो ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ये बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो तीन रीजन मिल गए हमें, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, बाय कौन से रूल से हुआ, एस 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 कॉन्ग्रेंस। क्वेश्चन होता हमारा कंप्लीट, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, लाइन वाइज आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लाइन वाइज अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन लिंक्ड है, हमारे ये लिंक है एक दूसरे से इनके, वो बिल्कुल इजीली सोल्व होता जाएगा, ठीक है।